फोकस और अटेंशन दोनों एक ही चीज के बारे में है? जो भी हमारा गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस रहे। तो पढ़ाई के टाइम भी आपका फोकस नहीं बन पाएगा, आप ये झूठा मुखौटा नहीं पहन सकते। अब वो फोकस देना होगा बिजनेस के ऊपर जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपर फोकस। किसी भी काम में फोकस रहना हर किसी की बस की बात नहीं रही। आज के टाइम में अपना फोकस बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन सवाल यह है मुश्किल बनाया किसने? हमने खुद ने बनाया। हमने अपनी जिंदगी इन सोशल मीडिया में इतनी बिजी कर दी कि हम हमारा लक्ष्य ही भूल गए। हम चाहे कुछ भी बोले लेकिन हम इसके गुलाम बन चुके हैं, और ये कड़वा सच है। हम ये कैसे भूल गए कि हम इन्हें चलाते हैं, ये ऐप्स हमें नहीं चलाती। आज का बच्चा बच्चा इसका गुलाम हो चुका है। हमको अगर हर जगह हर काम में फोकस रहना है तो हमको हमारे लक्ष्य से भटकने वाली हर वो चीज को हमारी जिंदगी से बाहर निकालनी होगी, जिससे हमारा हर बार फोकस टूटता है। हर तरह की कोशिश करने के बाद भी हर काम को यूं ही बीच में अधूरा छोड़कर पछतावा करते हैं। आप मुझे इस वीडियो में सिर्फ 7 से 8 मिनट दे दीजिए। वीडियो के एंड तक आपकी फोकस पावर इतनी तो मजबूत कर ही दूंगा कि आप कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ोगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक पक्षी के बारे में बताता हूँ, क्रेन बर्ड्स, जिसे सारस पक्षी भी कहा जाता है। ये पक्षी की फोकस पावर इतनी जबरदस्त होती है कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। जब इसको मछली का शिकार करना होता है तब ये पानी की पतली से पतली लेयर पर कई घंटों तक खड़ा रह सकता है, और उस वक्त उसका जो फोकस होता है इतना मजबूत होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मछली पर होता है, और जब मछली उसके नज़दीक आती है तो वो अपनी पूरी एनर्जी और फोकस के साथ अटैक करता है, और वो 1 सेकंड में मछली को पकड़ लेता है। उसका वार कभी खाली नहीं जाता क्योंकि वो अपने शिकार को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहता है। हवा चाहे कितनी भी तेज चलती हो, चाहे पानी कितना भी गहरा हो, या दूसरे जानवर उसको खा सकते हैं, इन सब चीज़ों से वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो उस टाइम सिर्फ यही सोचता है कि मछली को कैसे खा सकता हूँ, कैसे उसको पकड़ सकता हूँ। आप भी अपना फोकस पावर इतना मजबूत रखो कि आपको कोई कितना भी आपके फोकस से भटकाने की कोशिश करे, लेकिन आपको वो पक्षी की तरह अपने काम में फोकस रहना है। आपका फोकस ही आपके काम को बेहतर बनाता है। आपका मन हर बार अलग अलग चीज़ें करने को कहता है, और आप थोड़ा थोड़ा हर जगह टाइम देकर अपना फोकस एक काम में कभी नहीं बना सकते। आप एक टाइम में एक चीज़ को पूरा करो, फिर उसके बाद उस काम से फोकस हटाकर किसी दूसरे काम में अपना फोकस शिफ्ट कर दो। अगर आप भटकते जाओगे अपने काम से तो आप कभी किसी एक काम को पूरा नहीं कर सकोगे। चलिए ये तो वार्म अप था, मैं आपको 8 ऐसी टिप्स बता रहा हूँ जिसे आप बारीकी से समझकर अपनी लाइफ में करना शुरू कर दोगे तो कुछ ही महीनों बाद आपका फोकस 100% हर काम में बनने लगेगा। अगर आपको यकीन नहीं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। नंबर 1, हर जगह हाँ बोलकर मत आओ, हर काम को यस मत करो, इससे अच्छा है ना बोलकर बेशर्म बन जाओ। अपने मुंह से हर काम को हाँ बोलकर आप अपने पीछे लोगों को लगाते हो जो आपको कॉल या मैसेज करके हर वक्त आपके काम में फोकस तोड़ेंगे। लोगों को ना बोलकर अपने काम के लिए फोकस बचाओ। नंबर 2, अपने काम को मिक्स मत करो, आप अपने गोल्स को अलग अलग पार्ट में बांट दो। आपका काम जितना मिक्स होगा आप उतने ही कंफ्यूज होते जाओगे। एक ही काम में फोकस बनाकर अच्छे से काम करो। जब कोई काम को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन कम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके मोबाइल में गैलरी होती है, उसमें कैमरे की, व्हाट्सएप की, डाउनलोड फोटोज की, इन सब की अलग अलग एल्बम बनी हुई होती है। अगर आपको कोई फोटो ढूंढनी हो तो आप आराम से ढूंढ सकते हो, आपको इतना फोकस और ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। अगर इन सब फोटोज को एक ही फोल्डर में डाल दे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर वो फोटो ढूंढनी पड़ेगी। उसी तरह आप भी अपनी लाइफ के एक एक गोल को ऐसे ही एल्बम की तरह बांट दो। जब तक आप कोई एक काम कंप्लीट ना कर दो तब तक आपको दूसरी एल्बम में फोकस नहीं करना है। नंबर 3, लोगों के बुरा भला कहने से अपने काम में फोकस कभी मत तोड़ो। एक हिरण की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक टाइगर की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन उसके बाद भी टाइगर एक हिरण को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। जानते हो क्यों? देखो, इसका रीजन सिर्फ एक है, जब हिरण आगे की ओर भागता है तो वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है, उसका ध्यान भागने में कम और टाइगर पर ज़्यादा होता है। लेकिन टाइगर पूरे फोकस के साथ उस हिरण को देखकर भागता है और वह पूरी एनर्जी के साथ अटैक करके उसे आसानी से पकड़ लेता है। आप भी जब लाइफ में आगे बढ़ोगे तो लोग आपके पीठ पीछे आपको भी बुरा भला कहेंगे। अगर आप उस चक्कर में पीछे मुड़कर उन्हें देखोगे
तो आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी। अपने फोकस को टाइगर जैसा बनाओ, लोग चाहे कितने भी भौंक ले, आप अपनी नजर सिर्फ अपने टारगेट पर रखो। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, अगर आप दो खरगोश को एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में एक भी खरगोश नहीं आएगा। नंबर 4, आपका गोल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी भी काम में फोकस बनाते हो तो आपके माइंड को ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि आप जिस भी काम में फोकस कर रहे हो उससे आपका क्या फायदा होने वाला है। आपका गोल आपके माइंड में जितना क्लियर होगा कि आप क्या चाहते हो और उससे आपको क्या मिलने वाला है, तो आपका दिमाग उस काम में फोकस और अच्छे से करेगा। नंबर 5, जबरदस्ती किसी भी काम को खींच कर मत करो। किसी काम को लंबे टाइम तक जबरदस्ती खींच कर करने से आपका फोकस जल्दी टूटेगा। आपको बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर काम करना चाहिए। ऐसा करने से आप हर काम में फ्रेश रहोगे और आपका फोकस भी उस काम में बना रहेगा। आप अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे मुश्किल काम से करो, क्योंकि आपका सुबह का एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होता है। इससे आप पूरे फोकस के साथ किसी भी मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। नंबर 6, अपने काम से प्यार करना सीखो। किसी काम में फोकस करने से पहले अपने काम से प्यार करना सीखो, और आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस काम में। जब तक आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा या जरूरत नहीं होगी किसी चीज़ या सक्सेस को पाने की, तो आपका फोकस कैसे बनेगा? अगर आप अपने काम से प्यार करोगे तो ये बाकी प्यार की तरह आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये पूरी ईमानदारी के साथ आपकी ज़िंदगी बनाएगा। नंबर 7, आपको मल्टीटास्क से हमेशा बचना है। अगर आप मल्टीटास्क करते हैं तो आपका दिमाग बुरी तरह से थक जाएगा। आपके दिमाग के थकने का कारण लगातार एक ही समय में बहुत से काम करने से होता है। आप अपना 40% टाइम एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करने में बर्बाद कर देते हो, क्योंकि आप किसी एक काम में अपना फोकस नहीं बना पाते और आप किसी भी काम में बेस्ट नहीं होने के कारण आपका हर काम अधूरा ही रहता है। इससे आपके गोल्स बीच में ही छूट जाते हैं और यही आपके अनसक्सेसफुल होने का कारण भी बनता है। जो भी आप काम करते हो उसमें अपना पूरा फोकस डाल दो। अगर खाना खा रहे हो तो आपका सारा फोकस खाने में होना चाहिए। फोन यूज कर रहे हो तो सिर्फ फोन पे ध्यान। अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम पे फोकस। इससे आपका मन हर काम में स्थिर रहेगा। नंबर 8, अपने अटेंशन स्पेन को इम्प्रूव करो। आप देखना, सालों पहले लोग अपने फ्री टाइम में नॉवल पढ़ा करते थे, जिसे पूरी करने के लिए उन्हें काफी हफ्ते लग जाते, जिससे वो एक ही नॉवल पर लंबे टाइम तक फोकस में रहते हैं। और उस टाइम लोगों का अटेंशन स्पेन और फोकस करने की आदत बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। आज के टाइम लोगों का अटेंशन स्पेन बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में लोग इंस्टा रील्स और शॉर्ट्स वीडियो देखने लगे हैं। इससे लोगों का दिमाग खोखला होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे कंटेंट से हर सेकंड आपके दिमाग को डोपामिन का डोज मिलता है। आप जब कोई भी काम करते हो तो आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागता रहता है। रील्स और शॉर्ट्स कंटेंट देख देख कर आपके दिमाग की आदत बन चुकी है। आपको हर 5 से 8 सेकंड में कुछ नया चाहिए होता है। आप देखोगे आज भी जो लोग बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी फोकस पावर, उनके सोचने का तरीका बाकी लोगों से बहुत अलग होता है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। बुक्स पढ़ने से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपकी फोकस पावर भी अच्छी होगी। हमें मुश्किलें तब दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए इस सभी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। चलता हूं, अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। मैं आपका भाई अकील आपकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाता रहूँगा।